आज आज हम दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो चलिए गाइस। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। आज के नए ब्लॉग में आपका है स्वागत गाइस। आज 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 हम दिल्ली से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो चलिए गाइस। वीडियो में देरी ना करते वीडियो करते स्टार्ट फटाफट। और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर दे, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लिए। अपना बुराड़ी से और कस्टमर से बात हो गई है, बट थोड़ा सा आज मिसअंडरस्टैंडिंग मेरे से हुआ। 9 बजे का पिकअप टाइमिंग था, बट 9:15 हो चुका है, गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसके वजह से। तो गाइस आज है 29 तारीख, 29/4/2023, और टाइम जो हो रहा है 9:15 हो रहा है। तो मैं पहुंच गया पिकअप लोकेशन, बस 200 मीटर के डिस्टेंस पे हूँ पीछे। तो कस्टमर से बात हुई, बोला कोई बात नहीं भैया, आ जाओ आप आराम से आ जाओ। तो दिल्ली से बाहर जा रहे, आज उबर से इंटरसिटी आई है, देखते हैं बाहर कहाँ जा रहे, बताएंगे इसी ब्लॉग में। और हो सकता है कस्टमर से इंट्रो करा पाए तो इंट्रो भी कराएंगे, और बाकी जहाँ रुकेंगे रास्ते में तो आपको वो भी बताएंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहना, और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, मस्ती आने वाला है, और मस्ती भी आएगा और फुल इन्फॉर्मेशन दिल्ली के बाहर के ट्रिप पे मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहना, और मैं फटाफट ये तो मैं फाइनली आपको बता दूं, मैं पहुंच चुका हूं अंबाला। अभी कस्टमर को ड्रॉप कर दिया है नेट 1 बजे, और अभी बज रहा है 1:25, मतलब 1:30 बज गया। यही विद्यापीठ IPS कुछ है ऐसा करके यहीं पे। अब यहाँ से पहले चलते कुछ खाने के लिए, ढाबा ढूबा ढूंढ रहे, क्योंकि भाई अंबाला सिटी है ये, और सेक्टर 8 है। तो मतलब 9:15 आपने देखा होगा कि मैंने बताया था आपको, 9:15 लेके चला था उनको, 9:20 हो गया था, लेके वहाँ से निकला और अभी मैं पहुँच गया। करीबन 3 सवा 3 घंटा लगा। इनको ड्रॉप कर दिया क्योंकि वो मैडम थी IAS रैंक की, तो उनसे ज़्यादा इंट्रो वगैरह भी नहीं कर सकते या कुछ बोल नहीं सकते थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो हो गया ठीक है। तो दोस्तों अभी देखते हैं अब यहाँ से बुकिंग मिलेगी नहीं मिलेगी। इस ट्रिप में जो बैलेंस बना है भाई, सुन के 4,500 रुपये तो 9600 रुपये ओवर ने चार्ज किया उससे, उसका टोल स्टेटस जो होता है अलग अलग, बट मुझे जो दिया है ना भाई ठीक ही दिया भाई, 200 किलोमीटर का दिया है, 3,500 रुपये दिया भाई 200 किलोमीटर का। तो दोस्तों चाचा से पूछा, वो कहते हैं ढाबा डूबा तो बाहर है, इधर नहीं है, मतलब सिटी से उधर जाओ थोड़ा सा। तो चलते हैं उधर की तरफ और देखते हैं यहाँ से बुकिंग आती है नहीं आती है, खाली जाना पड़ेगा या कैसा जाना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज दोस्त बने रहना लाइन में नहीं मतलब वेटिंग वीडियो में, तभी समझ पाओगे कि दिल्ली से बाहर जाने का मतलब क्या होता है, कमाई कितना होता है, और खाली आना पड़ता है या क्या करना पड़ता है ना दोस्तों। तो दिल थाम के बैठे रहिएगा, और भाई अगर खाली जाना पड़ेगा तो जाएंगे फिर, क्यों दिन खराब नहीं करना है ना भाई, दिन खराब करना 1.5 घंटा वेट करते हैं, खाना वाना खा के वीडियो वगैरह एडिटिंग करेंगे, उसके बाद नहीं होगा तो भैया धीरे 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 अपना दिल्ली की तरफ चलते हैं। अब अंबाला में है तो अंबाला के बाद कुरुक्षेत्र, बादशाह कुरुक्षेत्र, उसके बाद करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, ऐसा करके आता है जो वाया दिल्ली जाएगी। तो अभी देखते हैं, यहाँ से खाना खाने के बाद नहीं होगा तो दिल्ली के एंड की तरफ चलते हैं, दिल्ली के एंड में वहाँ पे, ठीक है दोस्तों बने रहना प्लीज, और चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और इस भाई को भी सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखा दो थोड़ा सा प्लीज, बहुत परेशान हो थोड़ा सा जिंदगी में, ठीक है ना। आप लोग सोच रहे हो ये हंस भी रहे और कह रहा परेशान भी हो, ये चेहरे पर हंसी आप लोगों के बात करने के लिए, आत्मा जानता है कि जिंदगी कितना परेशान चल रहा है, काम से नहीं और चीज सबसे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, फाइनली मैं घर आ चुका हूं, और घर आके शांति से गाड़ी पार्क लगा दिया। तो मैं आपको बताऊं कि आज दिन भर की रियल कहानी क्या है,
और कैसे कैसे काम हुआ और कैसे मैं दिल्ली पहुंचा, खाली पहुंचा हूँ, क्या पहुंचा हूँ, वो चीज़ आपको पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहना एंड तक, फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और आप लोग प्लीज वॉच पूरा करना, क्योंकि हर बंदा सोचता है दिल्ली से बाहर जाऊं, दिल्ली से बाहर काम करके आऊं, जैसे हो गया मथुरा, वृंदावन, मेरठ, हरिद्वार, ऋषिकेश, जहां तहां, मतलब जो भी हो, तो उसमें क्या दिक्कत आती है भाई। अगर आप पर्सनली किसी को लेके जाते हो तो उस हिसाब से चार्ज करोगे, लेकिन कंपनी के हिसाब से आप लेके जाते हो भाई तो कंपनी के हिसाब से चार्ज करते हैं, है ना। तो दोस्तों मैं वही चीज बता रहा हूँ, कंपनी वाला रूट कंपनी वाला रूट बता रहा हूँ। कंपनी वाले में क्या होता है, कंपनी वाले में अपने को ये होता है, जैसे कि आप, अब एग्जांपल मैं ही अपना ऊपर देता हूँ कि मैंने सुबह लेके गया ट्रिप, ठीक है। उस ट्रिप में लगभग जो मेरे को 4596 रुपए कस्टमर ने चार्ज किया ओवर ने, ठीक है, ओवर ने 4596 रुपए का चार्ज किया, मुझे दिया 3400 रुपए, ठीक है। गाड़ी चली 200 किलोमीटर, तो आप एवरेज निकालेंगे तो 200 किलोमीटर का 3400 रुपए दिया, ओवर पागल नहीं था, समझ रहे हो ना, क्योंकि 10 रुपए किलोमीटर वो गो इंटरसिटी था, 10 से 12 रुपए किलोमीटर से ज्यादा देता नहीं है, ठीक है। तो वो उस हिसाब से दिया कि अगर मैं खाली भी आ जाता हूँ वहां से तो मेरे जो ज्यादा लॉस नहीं होगा, बट खाली आना चुभता है भाई किसी को भी, मैं हूं या कोई भी आदमी हो। तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा हम लोग को ना अपना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ता कई बार ऐसा। तो कहीं भी आप लोग, पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी दिल्ली से बाहर जाओ तो भाई सबसे पहले तो दो से तीन चीज ऐसा चीज है जो आपको समझना चाहिए। क्या, पहला चीज कि अगर नाइट में आप सफर कर रहे हो नाइट में, तो नाइट वाले भाई कस्टमर को छोड़ने के बाद दो चीज का ठिकाना पकड़े, नहीं तो कभी भी आपके साथ हादसा हो सकता है। पहला क्या कि या तो पेट्रोल पंप या तो ढाबा पर रुके, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी सेफ्टी रहेगी, रात भर कोई हादसा नहीं हो सकता। और या तो बस अड्डा, पार्किंग, ऐसा कोई ऐसा जगह हो जहां पे सेफली तरीके से गाड़ी लगा दे भाई, और वहीं पे जाके अपनी गाड़ी को लॉक करे, बिल्कुल दरवाजा खोल के ना सोए, ना बिल्कुल शीशा नीचे करके सोए, कुछ भी हो सकता है पूछा, ठीक है। शीशा हमेशा अंदर से डोर लॉक होना चाहिए। उसके बाद दोस्त मैं आपको बता दूं कि अब आप गए यहां से, वहां जाने के बाद आपका फंस गया, मतलब आप फंस गए वहां पे जाकर के, तो इस केस में आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे, मतलब बुकिंग वहां से आ नहीं रही तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों मैं वही चीज बता रहा था कि आपको बीच में कोई आ गया, इसलिए ब्रेक लेना पड़ा। तो आपको बता रहा था कि आप किस तरीके से वहां से हैंडल करोगे, भाई आप वहां से बुकिंग आ नहीं रही तो आपको दिल्ली तो आना है, या आप दिल्ली के हो तो दिल्ली आना है, नोएडा आना है, जैसे भी हो, तो उस लोकेशन से आप कैसे आना चाहोगे भाई, या तो खाली आओगे या तो वेटिंग करोगे बुकिंग का। तो देखो उसका बीच एक रास्ता ये निकलता है, जैसे कि आप वहां पे नियर बाय पता करो ISBT का है, गूगल पे सर्च करो ISBT, मतलब इंटर स्टेट बस अड्डा, आप उसके पता करोगे तो उसके आसपास में गूगल से भी पता कर लो तो उसमें पता लग जाए, या किसी से पूछ लो भाई, वहां पे आप जाओ तो कोई ना कोई सवारी आपको मिलेगी ऑफलाइन, ऑफलाइन सवारी लो और चले आओ भाई, समझ रहे हो, ये चीज होता है। दूसरी चीज कि या तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप वहां पे जैसे कि आपका दलाल जो होते हैं, एजेंट होते हैं, उनको कमीशन लेंगे वो, और आपको भर के गाड़ी दे देंगे, 5 मिनट में 10 मिनट में गाड़ी भर जाती है उनके हिसाब से, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से ये चीज होता है। आज मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यही एक तरीका है वहां से जल्दी आने का भाई। देखो वन वे ट्रिप लेके जाओगे तो फंसना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। और सभी ड्राइवर के बाद पता है अच्छी तरीके से कि फंसते भाई। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने वहां से अंबाला सिटी में छोड़ा सवारी को, वहां से 7 किलोमीटर था अंबाला कैंट, उधर आया, उधर रेलवे स्टेशन मैं और बस अड्डा दोनों आमने सामने है, तो उधर ही आया मैं, उधर लगा के जैसे 2 मिनट खराब ही नहीं हुआ, मेरे पास एक बंदा आया, कह रहा भाई दिल्ली जाएगा, मैंने कहा हाँ भाई दिल्ली जाएंगे, तो बोला कि भाई ऐसा है 400 रुपये सवारी देगा, 4 सवारी दे दूंगा,
मुझे 300-400 कमीशन दे दियो। मैंने कहा, फिर दिमाग लगाया यार, 400 रुपए 300-400 रुपए से कमीशन दूंगा तो 300-400 रुपए कमीशन देने के बाद क्या मिलेगा मुझे। फिर मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार ये 1300-1400 रुपए का हिसाब बन रहा है, 1300-1400 रुपए मेरा टोल लग गया, रिटर्न में आते हुए 150 रुपए टोल कटा, ठीक है 100 रुपए हम सीडी मतलब 250 रुपए कट गया। फिर भी मैं देख रहा हूँ तो 1000 रुपए मेरे को इधर बेच रहा है, 1000 से 900 रुपए बच रहा है, और 900 रुपए में मेरा सीएनजी जो लग रहा है लगभग 600 से 700 का सीएनजी फूक रहा है, 700 या लगभग 700-750 का सीएनजी फूक रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं 400-500 रुपए बचत भी हो रहा है। एग्जाम्पल जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो हकीकत बात है जो आज मेरे साथ हुआ है मैं आपको बताता हूँ, 300-400 रुपए बच भी रहे हैं और टाइम्स बच जाएगा तो मैं दिल्ली जाकर कमा भी लूंगा। तो वही हुआ, मैं वहां से 3 बजे निकला और 6 बजे बजते बजते यहाँ पहुंच गया हूँ। तो उसके पहुंचने वाले सोनीपत फिर चला गया मैं, उसमें 850 रुपए की राइड थी वो, उसके बाद सोनीपत से मैं थक चुका था, मैं कहा यार मिलेगा ठीक है, मैं वेट नहीं किया, छोड़ते ही मैं भागा दिल्ली अपने घर, वहां से 32 किलोमीटर मेरा घर था तो मैं घर चला गया। तो हम लोग इसी तरीके से भाई बाहर से जब हम आएंगे ना, दिल्ली से बाहर जाएंगे काम करने और दिल्ली से आना चाहते हैं और आप फंसे हुए हो, तो भाई आपके पास यही एक विकल्प मात्र है जो आप इस तरीके से फंडामेंटल को अपना करके, दिमाग को इस्तेमाल करके और हम लोग आ सकते हैं। नहीं तो अदरवाइज अगर कंपनी के भरोसे आप जा रहे हो तो कंपनी के रूल्स में भी यही लिखा है कि इधर से जाने की गारंटी है तो आने की कोई गारंटी नहीं, कोई बुकिंग मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और जो भी कहा जाए तो ये इस पे ही आपको विचार करने वाली बात है। आप लोग भली बात है आप समझे होंगे इस बात को। तो चलिए दोस्तों आगे अब बात करते हैं आपसे इनकम का, इनकम क्या हुआ, ठीक है। अब इनकम के बारे में आपको हम बताते हैं। देखो सबसे बड़ी बात इनकम, इधर से जाते हुए मैंने बता दिया आपको 3400 रुपए मुझे मिला, उधर से आते हुए मुझे 1200 रुपए मिला, वैसे होना चाहिए 1600 लेकिन 1200 रुपए दिया। उसके बाद 800 रुपए ये जोड़ लो आप, जो जैसे मैं लेके गया सोनीपत, तो 12, 8, 20 और 34 5400 रुपए का टोटल काम हो। 5400 रुपए में सीएनजी जो मेरी फूक गई है दोस्तों 1500 से 1600 रुपए सीएनजी फूकी होगी मेरे हिसाब से, जो सीधा सीधा हिसाब है 15 से 45 30% सीएनजी से 4500 रुपए काम होता है, मैंने 5000 रुपए काम किया 5400 रुपए का उसमें इस तरीके से काम किया भाई, ठीक है। आज इस गाड़ी भी लगभग 480 किलोमीटर रन कर गई और मैं थक चुका था इसलिए मैं घर आ गया। और आप लोग का इस पर क्या कमेंट है, मैंने सही काम किया नहीं किया, आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों। और आप लोग को मेरा सजेशन कैसा लगा वो भी प्लीज कमेंट करना जरूर, आपकी कमेंट से ही मेरा दिल और दिमाग का फैसला क्लियर होता है कि हाँ मेरा जो वीडियो देखने वाले लोग मेरा फैमिली मेंबर्स जिसको बोलते हैं ना, वो कैसा है, मतलब इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो ये चीज मैं आपसे बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो में ज्यादा लंबा ना करते, वीडियो करते हैं एंड, और मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।